भारतीय आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मैं राकेश मेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को इस पावन अवसर की बधाइयां देता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए भाषण से वो बातें आपको बताने जा रहा हूं जिसका संबंध आपके एग्जाम से है। आज जो भी हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो आप मानकर चलें आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। आइए इसी ताकत की आज हम चर्चा करते हैं। भारत में आजादी का जो महोत्सव मनाया जा रहा है ये 75वां है। भारतीय आजादी का 75वां वर्ष अगस्त 2021। यहां आप विशेष रूप से ध्यान दें कि 74 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 75वें में हमने प्रवेश किया है। ये जो आजादी का 75वां वर्ष है आप भली भांति जानते हो, भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था। इस संबंध में मैं विस्तार पूर्वक एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हैं। आजादी के इस पावन अवसर पर भारतीय ओलंपिक से संबंधित खिलाड़ियों को, पदक विजेताओं को यहां पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और उनका तालियां बजाकर स्वागत किया गया। आइए इन्हीं कुछ पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। भारत सारे महापुरुषों का ऋणी है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनका नाम लिया। इसके अलावा उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, गोडिल्यू, इसके बारे में हम नेशनल मूवमेंट पे पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त कित्तूर की महारानी चेनप्पा के बारे में इन्होंने बताया। मैं विशेष रूप से कित्तूर की महारानी के बारे में बात करना चाहूंगा। एक लाइन लिखिए, कित्तूर की रानी चेनप्पा, इसके बारे में मैं कुछ बात करना चाहूंगा। दो बातें ध्यान में रखनी है आपने। एक तो ये कर्नाटक से संबंधित है, पहली बात तो। रानी गोडिल्यो के संबंध में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनका संबंध भारत के किस राज्य से रहा है, नागालैंड, वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहां पर आपके क्वेश्चन बन जाता है कि रानी चेनम्मा का संबंध किस राज्य से है, कर्नाटक से है। इसके अलावा इनकी जो उपलब्धि है, इन्होंने डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स का विरोध किया था, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स का विरोध किया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी ये और इसी कारण से ही इनका निधन हो गया था। संघर्ष किया था ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, गोद निषेध नीति थी, इसके बारे में हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। यहां पर ओनली बेसिक बात मैं आपको बताऊंगा, गोद निषेध नीति थी ये। और आपको ये विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी है जो कि ज्यादा आपके एग्जाम में आता है, लॉर्ड डलहौजी के काल में आई थी ये महत्वपूर्ण है। लॉर्ड डलहौजी के काल में आई थी, याद भी रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, DD, तो याद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात पर आ रहा हूं, उनके भाषण में भारत के पदक वीरों का सम्मान तालियां बजाकर किया गया, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने पदक जीता उनको यहां पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भाषण सुन रहे उन सभी व्यक्तियों को, भारतीयों को यह कहा
कि आप सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करो। अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व क्षण था वो। आइए तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, ये कोरोना वैक्सीन से संबंधित था। यहां पर इन्होंने कोविन ऐप का भी नाम लिया। आप जानते हो वसुदेव कुटुंब के तहत भारत ने इसे पूरे विश्व को उपलब्ध करवाया है। कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन से संबंधित है ये। इसके बारे में हम कई बार बातें कर चुके हैं, लिख दीजिए। यह है मुख्य रूप से कोरोना वैक्सीन के प्रबंधन से संबंधित है। रजिस्ट्रेशन इसके तहत ही आ जाता है, और भी कई बातें हैं, मोटे तौर पर ये बातें आती है इसके अंदर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। भारत का अमृत काल, लगा दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का अमृत काल किसे बताया है इन्होंने? भारत का अमृत काल इन्होंने बताया है 75वीं वर्षगांठ से 100वीं वर्षगांठ तक। आपके यहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि अमृत काल कितने वर्ष का है? तो 25 वर्ष, ये 25 वर्ष का काल है। यहां पर भारत के विकास से संबंधित बात कही गई है, और यह कहा गया है कि मेहनत पर मेहनत करके, परिश्रम करके पराकाष्ठा, इसके कहने का मतलब है हम इतनी मेहनत करेंगे, 100% मेहनत करेंगे कि हम सिद्धि की ओर चलना है, भारत को विकास की तरफ लेकर चलना है। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन्हें हमने सिद्ध करना है। तो एक बार आप इसे नोट करें। भाषण का जो नेक्स्ट पॉइंट था वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। सभी योजनाओं को, चावल को, या आप ऐसे कीजिए, सभी योजनाओं में चावल को फोर्टिफाइड किया जाएगा। सभी योजनाएं, जैसे आप मोटे तौर पर हम कहें मिड डे मील योजना, जो स्कूली बच्चों को चावल उपलब्ध करवाया जाता है, खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है, राशन या अन्य कोई भी योजना है जिसमें चावल उपलब्ध करवाया जाता है, उसे हम फोर्टिफाइड करेंगे। इसमें हमारा उद्देश्य यह है कि गरीब वर्ग को पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाए। यहां पर आपके दो क्वेश्चन उठकर सामने आते हैं कि ये जो फोर्टिफाइड किया जाएगा इसका लक्ष्य वर्ष कौन सा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका लक्ष्य वर्ष इन्होंने बताया है 2024 तक हम ये कर देंगे। अब बात आती है ये फोर्टिफाइड क्या होता है। एक लाइन लिख दीजिए, एक ऐसा तरीका, टेक्निक है ये, जिसके माध्यम से भोजन में आवश्यक सूक्ष्म तत्वों को, ये आवश्यक सूक्ष्म तत्व क्या होते हैं, जैसे विटामिन्स हो गए, प्रोटीन हो गया, ये आवश्यक सूक्ष्म तत्वों को जानबूझकर बढ़ाया जाता है। कहने का मतलब है होते नहीं है, लेकिन हम उसमें टेक्निक के माध्यम से उसमें डालते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इसके माध्यम से हम ये उद्देश्य पूरा करेंगे, जो गरीब वर्ग है उसको पोषण युक्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। इसके लिए हमने सबसे पहले चावल को हाईलाइट किया है, और हमने इसके लिए जो लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया है वो है वर्ष 2024। इसके बाद का जो पॉइंट है वो मैं सबसे महत्वपूर्ण मानकर चलता हूं, करेंगे हम उसकी बात। एक बात नोट करें, आइए नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम बात करते हैं। विभाजन, विभीषिका, स्मृति दिवस,
दिवस की घोषणा लाल किले की प्राचीर से की गई है। भारत पाकिस्तान बंटवारे की स्मृति में हमारे सीने को छलनी कर देता है ये बंटवारा जब भी हमें इसकी याद आती है। इसी की स्मृति में ये जो दिवस है ये प्रतिवर्ष 14 अगस्त को मनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक लाइन लिख दीजिए, भारत पाकिस्तान बंटवारे की स्मृति में। तो ये कुछ बातें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कही। और भी कई बातें हैं, कई योजनाओं का उन्होंने नाम लिया, जल जीवन मिशन का नाम लिया, आयुष्मान भारत योजना का नाम लिया, इसके अलावा उज्ज्वला योजना का नाम लिया, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन वो सब बातें मैं अगले पार्ट में करूँगा और नए रूप में करूँगा, विस्तार पूर्वक करूँगा, आपके एग्जाम को ध्यान में रख कर करूँगा। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे इस प्रयास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।